दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महानायक को भुला दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संसद में अपने पहले संबोधन में सिर्फ दो लोगों के नाम लिए थे, एक महात्मा गांधी और दूसरा सुभाष चंद्र बोस। लेकिन सही कहा मोदी जी आपने, देश ने कभी सुभाष बाबू को नहीं बुलाया, बल्कि आपको ही आरएसएस को 70 साल बाद उनकी याद आई। देश की नीतियां और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। देश ने हमेशा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिलों में याद रखा। आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, किसी भी कॉलेज में चले जाएं, वहां हर सिलेबस में, हर कक्षा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ाया गया। नमस्कार मित्रों, ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रधानमंत्री ने हाल में जब कर्तव्य पथ पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया, तो उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसको लेकर कांग्रेस में खासतौर पर बहुत प्रतिक्रिया है, क्योंकि उस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि अगर देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बताए रास्ते पर चलता तो आज कहां का कहां पहुंच गया होता। कुछ इस तरह की बातें उन्होंने कही है। इस वीडियो में मैं प्रधानमंत्री के उस भाषण का हिस्सा भी शामिल कर रहा हूं, और वो हिस्सा भी शामिल है जिसको लेकर कांग्रेस प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। कांग्रेस के एक यूथ लीडर हैं, उन्होंने उनका एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है, उस वीडियो को भी आप देखेंगे। इसके अलावा इस अतीत को भी समझने की जरूरत है कि हिंदू महासभा, जनसंघ और ऐसे संगठनों के जिसकी कोख से भारतीय जनता पार्टी निकली है, उसके सुभाष चंद्र बोस के नीतियों के साथ किस तरह का तालमेल था, क्या सुभाष चंद्र बोस उनको पसंद करते थे। और एक रेफरेंस आता है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जब जिस वक्त सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आपको तो मालूम है कि कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं सुभाष चंद्र बोस कभी, उस जमाने में उन्होंने एक लेख लिखा था जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, उनकी एक पत्रिका हुआ करती थी, साप्ताहिक पत्रिका, और उसमें जब सुभाष चंद्र बोस ने यह लेख लिखा था कि अतीत में कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के सदस्य हो सकते थे, होते थे, लेकिन अब ये दोनों संगठन, इस तरह के संगठन, अब उनकी सांप्रदायिकता बढ़ गई है, इसलिए अब आने वाले समय में कोई भी हिंदू महासभा का सदस्य कांग्रेस के वर्किंग कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता, जैसे मुस्लिम लीग के लोग भी इस तरह के वर्किंग कमेटी में शामिल नहीं हो सकते। तो इस तरह से एक देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस हिंदू महासभा, यानी जो जिसको माना जाता था, वो कहते थे कि वो सांप्रदायिक है, उनकी सांप्रदायिकता बढ़ चुकी है, और इसीलिए वो उसे पसंद नहीं करते थे। और बकायदा इसका एक रेफरेंस है आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है, जो बातें उन्होंने कही है, जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए हैं हिंदू महासभा को लेकर, कांग्रेस के हिंदुओं का राष्ट्रवादी मानते थे उसमें उन्होंने कहा है, और हिंदू महासभा को सांप्रदायिक मानते थे, मुस्लिम लीग की तुलना से उसकी तुलना करते थे। बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की साप्ताहिक पत्रिका में 4 मई 1940 को ये लेख लिखा था, संपादकीय था ये, और उसमें उन्होंने जो कांग्रेस और सांप्रदायिक संगठनों की जो चर्चा की थी, उसमें साफ तौर पर कहा था कि इलेक्टिव कमेटी के कांग्रेस के मेंबर नहीं हो सकते हैं हिंदू महासभा के लोग और मुस्लिम लीग के लोग। तो एक इस तरह का उनका हिंदू महासभा या वीर सावरकर या श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर उनके मन में इस तरह का एक भाव था, और आज वही भारतीय जनता पार्टी सुभाष चंद्र बोस को अपना नेतृत्व, अपना नेता बता रही है, उनके नेतृत्व में बता रही है कि देश जो है बहुत अलग दिशा में जा सकता था, अलग तरह की तरक्की कर सकता था, अलग तरह के विचार के साथ दुनिया के सामने आ सकता था। तो ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने नायकों को छोड़कर दूसरे विचारों के नायकों को अपना रही है, या फिर ये वोट के लिए अपने जो दूसरे के दूसरे संगठन और दूसरे विचारधारा के लोगों के नायक हैं उनको अपना बता रही है। तो ये
एक अभी चर्चा का विषय है और ये विवाद का विषय भी है और आने वाले समय में इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं होंगी, बहुत सारे विवाद होंगे, बहुत सारे मंथन होंगे और इसीलिए मैं ये वीडियो इस उम्मीद के साथ आपको पेश कर रहा हूं कि आप भी अपनी अपनी राय इस बारे में बनाएंगे, अपनी इस बारे में अपनी राय आकर इस कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने अपने इस संपादकीय लेख में विस्तार से इसकी चर्चा की थी और साफ तौर पर कहा था कि जो हिंदू महासभा है ये कम्युनल है और इसकी तुलना या इसको हम मुस्लिम लीग के श्रेणी में रख सकते हैं। एक और रेफरेंस इसमें आता है, इस लेख में ये भी रेफरेंस है, आप देखिएगा, जिसमें बताया गया है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब हिंदू महासभा बनाई, ज्वाइन किया, तो डॉक्टर मुखर्जी ने अपने डायरी में लिखा है कि जब वो बोस से मिले और उनको ये बताया कि वो हिंदू महासभा को राजनीतिक पार्टी के रूप में बनाना चाहते हैं, बनाने जा रहे हैं, तब बोस की क्या प्रतिक्रिया थी, तब बोस ने कहा था कि देख लेना, ये जन्म से लेने से पहले ही ये समाप्त हो जाएगा। तो बोस की हिंदू महासभा के बारे में ये राय थी और अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुभाष चंद्र बोस को अपना नेता बता रहे हैं, तब सवाल उठता है कि क्या उनका दल उनके साथ खड़ा होगा, क्या उनका दल सुभाष चंद्र बोस के विचारों से सहमत हो पाएगा, क्या उनका दल सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर चल पाएगा। तो लीजिए, अब आपके सामने बारी बारी से मैं पेश कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर उस दिन जो कार्यक्रम हुआ उसको संबोधित करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के बारे में क्या कहा। साथियों, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महामानव थे जो पद और संसाधनों की चुनौती से परे थे। उनकी स्वीकार्यता ऐसी थी कि पूरा विश्व उन्हें नेता मानता था। उनमें साहस था, स्वाभिमान था, उनके पास विचार थे, विजन था, उनके नेतृत्व की क्षमता थी, नीतियां थी। नेताजी सुभाष कहा करते थे, भारत वो देश नहीं जो अपने गौरवमयी इतिहास को भुला दे। भारत का गौरवमयी इतिहास हर भारतीय के खून में है, उसकी परंपराओं में है। नेताजी सुभाष भारत की विरासत पर गर्व करते थे और भारत को जल्द से जल्द आधुनिक भी बनाना चाहते थे। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होगा। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महानायक को भुला दिया गया, उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। सुभाष बाबू के 125वें जयंती वर्ष के आयोजन के अवसर पर मुझे कोलकाता में उनके घर जाने का सौभाग्य मिला था। नेताजी से जुड़े स्थान पर उनकी जो अनंत ऊर्जा थी मैंने उसे महसूस किया। आज देश का प्रयास है कि नेताजी की वो ऊर्जा देश का पथ प्रदर्शन करे। कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिभा इसका माध्यम बनेगी। देश की नीतियां और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी।
इसके बाद मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ यूथ कांग्रेस के नेता विवेक मेहता की वो बात और उनका वो वीडियो जो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। विवेक मेहता ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सुभाष चंद्र बोस प्रेम को किस तरह से व्याख्या की है, क्या कहा है, तंज किया है, उसको आप जरा ध्यान से सुनिए। खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोलो, ना हो भला से खरीदार, आओ सच बोलो। आज देश में झूठ का बोलबाला है और नाम बदलने की राजनीति का प्रचलन हो चला है। पिछले 8 सालों में बस नाम ही बदले जा रहे हैं। काश के इन 8 सालों में बेरोजगारी, महंगाई, कट्टरता, छल, कपट, प्रपंच, घृणा, धार्मिक उन्माद, महिला उत्पीड़न, इन सब के नाम भी बदल दिए जाते तो आज ये देश खुशहाली की राह पर चलता। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख देने से अगर केंद्र में बैठी हुई इस तानाशाही सरकार को थोड़ा सा भी कर्तव्य का बोध हो तो इस देश में पुनः अमन चैन और खुशहाली लौटा। कर्तव्य पथ पर मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया और मोदी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, देश ने हमेशा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिलों में याद रखा। आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, किसी भी कॉलेज में चले जाएं, वहां हर सिलेबस में, हर कक्षा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ाया गया। सड़कों के, स्टेडियमों के, पुल के नाम उनके नाम पर रखे गए। लेकिन विडंबना यह है कि आरएसएस को 70 साल बाद नेताजी की याद आई, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें इतने सालों बाद तिरंगे से प्यार हुआ और जैसे सावरकर के प्रशंसक गांधी जी की प्रतिमा के आगे सत्ता के लिए शीश झुकाते नजर आए। लेकिन इस देश को यह जानना बहुत जरूरी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आरएसएस और कट्टरवादी हिंदू संगठनों को लेकर क्या विचार थे। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ मिलकर बंगाल में मुस्लिम लीग के उप मुख्यमंत्री बने थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कलकत्ता में सावरकर की हिंदू महासभा की रैली करने की घोषणा की, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां के जो उस वक्त मेयर थे कठोर शब्दों में कहा था कि अगर ये रैली की गई तो पत्थर भी चलेंगे और पिटाई भी होगी। और जब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर थे तब तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता में घुस नहीं पाए। और ये बात भी सत्य है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और सावरकर आजाद हिंद फौज के खिलाफ थे और अंग्रेजी सेना के लिए शिविरों का आयोजन करते थे और स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबरी करने के लिए उन्होंने अपने संगठन के लोगों को लगा रखा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए वो लोग दिन रात एक कर दिए। देश को यह जानना भी बहुत जरूरी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के रेजिमेंट के नाम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रानी झांसी के नाम पर रखे गए और आजाद हिंद फौज के पहले संबोधन में मंच पर सिर्फ एक तस्वीर लगी थी और वो महात्मा गांधी जी की तस्वीर थी। आजाद हिंद फौज के सभी सीनियर अफसरों में हिंदू, मुसलमान, सिख सभी शामिल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद हिंद फौज के अफसरों को बरतानिया हुकूमत द्वारा चलाए गए रेड फोर्ट ट्रायल में आजाद हिंद फौज के अफसरों का बैरिस्टर बनकर उनकी तरफ से मुकदमा लड़ा था। ये बात भी सत्य है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संसद में अपने पहले संबोधन में सिर्फ 2 लोगों के नाम लिए थे, एक महात्मा गांधी और दूसरा सुभाष चंद्र बोस। लेकिन सही कहा मोदी जी आपने, देश ने कभी सुभाष बाबू को नहीं बुलाया, बल्कि आपको ही आरएसएस को 70 साल बाद उनकी याद आई। आप हमारे इन नायकों का उपयोग तो कर रहे हैं और इन प्रतीकों का नामकरण भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा पर आप कभी नहीं चल सकते क्योंकि वो सत्य की विचारधारा के अनुयायी थे। जय हिंद। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाते जाते मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। नमस्कार।